पाइपलाइन से नेपाल जाएगा तेल। दक्षिण एशिया का पहला क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू। आजम खां और अखिलेश का विरोध कर संकट में फंस गए कांग्रेस के दो नेता। पाक के बाद अब ईरान पर चीन की नजर। बड़े निवेश के साथ तैनात करेगा 5000 जवान। कश्मीर मसले पर यूएन को सौंपने के लिए पाक ने तैयार किया 115 पन्नों का झूठ का पुलिंदा। दिल्ली में 21 दिन की बेटी की हत्या करने के आरोप में पिता गिरफ्तार। पहली खबर, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया। ये दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन है। पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पाइपलाइन को उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद अब नेपाल ने पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया, तो भारत ने पड़ोसी और निकटतम मित्र के नाते अपना हाथ सहयोग के लिए आगे बढ़ाया। मुझे बहुत खुशी है कि नेपाल के गोरखा और नुआकोट जिलों में हमारे आपसी सहयोग से फिर से घर बसेंगे, आम लोगों के सिर पर फिर से छत आएगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खां के खिलाफ मोर्चा खोलने और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रामपुर दौरे का विरोध करने पर कांग्रेस को दो नेता संकट में फंस गए हैं। उन पर 6 साल के लिए पार्टी से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दोनों नेताओं को नोटिस जारी कर 5 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। कांग्रेस ने ये कार्रवाई समाजवादी पार्टी की ओर से आक्रामक रुख अख्तियार करने पर की है। दरअसल रामपुर में दोनों नेताओं की ओर से आजम खां के खिलाफ मोर्चा खोले जाने से नाराज सपा ने कांग्रेस पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया था, जिसके बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस ने अपने दोनों नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर का असर अब दुनिया में दिखने लगा है। कहीं पर मंदी है तो कहीं रणनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी मसले पर अब एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान ने चीनी सेना के 5000 जवानों को अपनी जमीन पर आने की अनुमति दी है। ये सभी जवान चीन के द्वारा ईरान में किए जा रहे $280 बिलियन के प्रोजेक्ट पर नजर रखेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले चीन पाकिस्तान में बड़ा निवेश कर चुका है और हर बार उसी के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। पाकिस्तान में चीन कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें CPEC से लेकर बंदरगाह बनाना तक शामिल है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान नई साजिश रच रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में आज पाकिस्तान 115 पन्नों का डोजियर जमा करेगा। ये डोजियर असल में पाकिस्तान एक और झूठ का पुलिंदा होगा। पाकिस्तानी राजनयिक सूत्रों के मुताबिक कश्मीर के मामले में दुनिया का सपोर्ट ना मिलने से खफा पाकिस्तान डोजियर के जरिए एक बार फिर यूएन में ये मसला उठाएगा। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद के 42वें अधिवेशन में शामिल होने के लिए जेनेवा पहुंच गए हैं। UNHRC का ये अधिवेशन 13 सितंबर तक चलेगा। पाकिस्तान इस अधिवेशन को भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर मसले को उठाने के लिए एक मौके के रूप में देख रहा है। दिल्ली के दौरगा के बिंदापुर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पत्नी से झगड़ा करने के बाद 21 दिन की बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी 26 साल के मुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है।
आरोपी ने पहले अपनी बेटी का गला घोटा और फिर उसे पानी की टंकी में डुबो दिया। 23 वर्षीय मां ने पुलिस में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोपी पेशे में कारोबारी है। युवती ने अपने शिकायत में कहा कि मैं शुक्रवार को मायके जाने की योजना बना रही थी। बच्ची का जन्म 16 अगस्त को हुआ था। मुकेश इस बात को लेकर खुश नहीं था। इसके बाद वो बच्ची को छत पर ले गया और दरवाजा बंद कर लिया। शिकायत में युवती ने यह भी कहा कि इसके कुछ देर बाद अब मुकेश ने दरवाजा खोला तो मैंने अपनी बेटी को खाट पर अचेत अवस्था में देखा। मुकेश ने बताया कि उसने बच्ची का गला घोट दिया, फिर उसे पानी के टैंक में डुबो दिया। पुलिस ने बताया कि बच्ची को तुरंत पुलिस अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।